गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम लोकेश कुमार सोनी एंड फ्रॉम द साइड ऑफ केडी कॉलेज आई वेलकम यू ऑल। एंड टुडे वी विल डिस्कस कैरेक्टर स्केच ऑफ जेन आयर इन द नॉवेल जेन आयर क्लास बी ए पार्ट थर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। Jane Eyre is the heroine of the novel Jane Eyre. She was ऑर्फन, वह अनाथ थी, तो शी वॉज फॉस्टर्ड and Florence by her uncle and aunt. Her uncle, Mr. Reed, was very supportive. Then, but her aunt Mrs. Reed took her as a burden. Burden in her life, in her life, due to bad luck, her uncle Mr. Reed died untimely, died of typhus.
according to Mrs. Reed's promise to dine Mr. Reed he has to see matlab Mrs. Reed has to foster and flourish then but she came out of her She abused and rebuked her in a very hateful way. Only Bessie the mad of Mrs. Reed was kind to her. Mrs. Reed's children also disliked Jane's company. Her son John immensely John was immensely irritated from John. Yeah, irritated. Actually, let me tell you, irritated John. He bothered her
बुधड हर मेरी मच He always आप इसको ले सकते हैं मिजरेबल कैरेक्टर इन ओपनिंग पार्ट ये तो है आपका क्वेश्चन, ये आंसर आपका स्टार्ट है आंसर कैरेक्टर के तो जेन आयर और आंसर स्टार्ट आपका एमिजेबल कैरेक्टर इन ओपनिंग पार्ट फर्स्ट जेन आयर जो है. अच्छा ही ऑलवेज inserted her and complained to her mother complained to her mother one day she punished them and locked in a room which called red room, yeah, which was known as red room. Actually, Mr. Reed also died in that room. ठीक So, she या जैन looked the ghost या जैन felt felt that there was the ghost of Mr. Reed
हर अंकल ड्यू टू फियर ड्यू टू फियर ऑफ दैट घोस्ट once and town It was a very shocking stunning surprising experience of for Jain ठीक है। फिर इसके बाद जैन फेल्ड दिस इवेंट एज इफ She was thrown in a प्रिजन जैसे उसे जेल में फेंक दिया गया हो बेसी ओनली बेसी सूत्र या मेड हर फील मेड हर फील कूल एंड कंफर्टेबल by telling her
टेल्स एंड स्टोरीज, टेल्स बाय टेलिंग हर टेल्स, बाय टेलिंग टेल्स टू हर, thus it is a very good description that how she was a miserable creature, किस प्रकार से वो एक दयनीय प्राणी थी। देखिए आप इसका ट्रांसलेशन देखिए एक बार। कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन आयर, जॉन आयर का कैरेक्टर स्केच। जॉन जेन आयर इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल, जेन आयर इस नॉवेल की हीरोइन है। शी वॉज ऑर्फेन, वह एक अनाथ बच्ची थी, तो इसीलिए शी वॉज फॉस्टर्ड एंड फ्लोरिश बाय हर अंकल एंड आंट, इसलिए उसका पालन पोषण किया गया, ठीक है, देखभाल की गई उसके अंकल और आंट के द्वारा। हर अंकल मिस्टर रीड, उसके जो अंकल हैं मिस्टर रीड वॉज वेरी सपोर्टिव, वे बहुत ही सपोर्टिव थे इसके लिए, टू जेन, जेन के लिए। बट लेकिन हर आंट मिसेज रीड, लेकिन उनकी जो आंट थी मिसेज रीड, मिसेज रीड जो उनकी आंट थी, टुक हर एज ए बर्डन इन हर लाइफ, वो अपने जीवन में उसे एक बहुत बड़ा बोझ समझती थी। कहाँ से आ गई फालतू में, कहाँ से टपक गई, ठीक है, और मेरे तो मेरा बच्चा ही खूब, ये कहाँ से इसको आपस को उठाया फालतू में, माँ बाप तो मर गए, मेरी छत भी छोड़ गए इसको, अरे ऐसे ही कसर पे चला जोर चले गए, तो वो टेंशन। तो हर अंकल मिस्टर रीड वॉज वेरी सपोर्टिव टू जेन, उसके जो अंकल थे मिस्टर रीड वे बहुत ही सपोर्टिव नेचर वाले थे जेन के प्रति। बट लेकिन हर आंट मिसेज रीड, लेकिन इसकी जो आंट थी मिसेज रीड, टुक हर एज अ बर्डन इन हर लाइफ, वो उसे अपने जीवन में एक बोझ समझती थी। ड्यू टू इट, ड्यू टू इट हर अंकल मिस्टर रीड डाइड ऑफ टाइफस अनटाइमली, मैं मतलब जो अकाल मृत्यु प्राप्त हो गए टाइम से पहले ही, अकॉर्डिंग टू मिसेज रीड प्रॉमिस और मिस्टर रीड से किए गए के द्वारा किए गए प्रॉमिस, किसके द्वारा, टू डाइंग मिस्टर रीड, मरते हुए मिस्टर रीड से जो मिसेज रीड ने वादा किया था उसके अकॉर्डिंग ही हैज टू फॉस्टर, उसको जो है पालन पोषण करना है और फ्लोरिश करना है किसको, जेन को। बट लेकिन सी केम आउट हर प्रॉमिस, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गई, ठीक है, सी एब्यूज्ड, वह उसे गालियाँ देती थी एंड रिव्यूड हर इन अ वेरी हेडफुल वे, बहुत ही घृणापूर्वक तरीके से उसको जो है डांटती थी, फटकारती थी। ओनली बेसिक बेसिक थी द मैड ऑफ मिसेज रीड, जो कि मिसेज रीड की मैड थी, वॉज काइंड टू हर, जो उसके प्रति दयालु थी। मिसेज रीड्स चिल्ड्रन ऑल्सो डिसलाइक द जेन्स कंपनी, मिसेज रीड्स के बच्चे भी जेन की कंपनी से डिसलाइक करते थे, जेन की कंपनी को डिसलाइक करते थे। हर सन उसका बेटा जो था जॉन, इमेंसली इरिटेटेड जॉन जेन।
बहुत ही ज़्यादा वो जो है इरिटेट करता था किसको, जेम्स को। भाई का क्या नाम था, जॉन रीड। ही बॉदर्ड हर वेरी मच, वह उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। ही ऑलवेज इंसल्टेड हर, वह हमेशा उसकी इंसल्ट किया करता था। एंड कंप्लेंड टू हर मदर, और अपनी माँ से शिकायतें किया करता था। वन डे, एक दिन, ही पनिश्ड जेन, एक दिन उसने जेन को पनिश किया। एंड लॉक्ड इन ए रूम, एक कमरे में बंद कर दिया। विच वॉज नोन एज रेड रूम, जिसको कि रेड रूम के रूप में जाना जाता था। एक्चुअली दरअसल मिस्टर रीड ऑल्सो डाइड इन दैट रूम, कि मिस्टर डाइड भी उसी कमरे में मरे थे। तो इसीलिए जेन फेल्ट, जेन ने ऐसा महसूस किया या जेन ऐसा महसूस करती थी दैट कि देयर वॉज द घोस्ट ऑफ मिस्टर रीड, कि वहाँ मिस्टर रीड का घोस्ट था, भूत था। हर अंकल, मिस्टर रीड कौन थे, हर अंकल उसके चाचा जी। ड्यू टू फियर ऑफ दैट घोस्ट, उसी भूत के डर के मारे, सी वंस फेंट डाउन, एक बार तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इट वॉज अ वेरी शॉकिंग, स्टनिंग एंड सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस फॉर जेन, ये जो है जेन के लिए एक बहुत ही चौंका देने वाला, झटका देने वाला, चौंका देने वाला और आश्चर्यचकित कर देने वाला अनुभव था। किसके लिए, जो जेन के लिए। जेन फेल्ट दिस इवेंट, जेन ने इस घटना को ऐसा महसूस किया एज इफ मानो सी वॉज थ्रोन, उसे मानो उसे फेंक दिया गया हो। इन ए प्रिजन, एक जेल में। ओनली बेसी मेड हर फील कूल एंड कंफर्टेबल, केवल बेसी ही थी जो उसको कूल और कंफर्टेबल फील करवाती थी। कैसे, बाय टेलिंग टेल्स टू हर, उसे अपनी कहानियाँ बता बता कर, सुना सुना कर। ठीक है, इसके बाद का मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।